लेकिन झर तो रही है ईश्वर की कृपा, उनका प्रसाद जो हमारे अंतर मन को शीतल कर रहा है। काया शीतल होती है लेकिन मन धधकता रहता है। और ये कथा मंदाकिनी ऐसी है, ये कथा वर्षा ऐसी है जो हमारे अंतर को कृतार्थ कर रही है। चित्त कृत कृत्य है, रोम रोम आनंद में डूबा है, हर पल हर क्षण चिंतन में जो भावों का उद्वेग हो रहा है वो श्री हरि की भक्ति का है। राम जी के लिए, राम जी जैसा, राम जी के लिए, राम जी का होकर दिल करता है। राम नहीं बन सकते पर राम के तो बन सकते हैं ना। कदाचित अगर हम शंकर बनकर अर्घ्य पे स्थापित नहीं हो सकते ना, शंकर बनने की एक प्रक्रिया है जो गंगा और नर्मदा के आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है, लहरों की वो थपकियां, बहुत प्रक्रिया है शंकर बनने की। फिर शंकर अर्घ्य पर स्थापित होते हैं। लेकिन सभी को तो, अब सभी कंकड़ों को शंकर बनने का अवसर नहीं है। क्या हुआ, शंकर बनना तो सब चाहते हैं, अर्घ्य पर स्थापित तो होना सब चाहते हैं, पर यह मुश्किल है कि सब शंकर बन जाएं। अब हम कंकर हैं तो क्या करें, क्या करें बताइए। कंकड़ हैं, शंकर होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कंकड़ की सार्थकता है। भक्तों का सैलाब उमड़ जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकड़ ही तो ले जाता है। अर्घ्य पे स्थापित नहीं हो सकते पर शिवालय तक जाने वाले मार्ग का कंकर, धूल कण समर्पित करके स्वयं को, ऐसी चित्त में भावना उसका उद्गम हो। सबके हो गए, बहुतों के हो गए, ना जाने कितनों को अपना समझा, कितने ही घर बनाए, अब तेरे हो चुके हैं, अब तो हमें अपना ले। और कदाचित तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ साम्य भी है, हा? जोड़ी मेरी तुम्हारी कैसी रची विधाता, हो तुम तो मुख के काले और हम हैं दिल के। जोड़ी तो बन जाएगी ना, जोड़ी तो बन जाएगी ना। तुम दृष्टि उठा के देख भर लो, बस धन्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। कदाचित तुम चयन तो कर लो हमारा, हमने तुम्हें चुना, तुम भी तो हमें चुनो। सांसें सार्थक हो, पल सार्थक हो, चिंतन सार्थक हो, जीवन सार्थक हो। और इसी चाह में, इसी पिपासा में, स्वाति की उस बूंद की प्रतीक्षा में मुख खोले बैठे, तृप्ति मिले। प्यास प्यास तो जन्मों जन्मों रटा है हमने, लेकिन तृप्ति हुई कहां? शरीरों को बदला, रिश्तों को बदला, जगह बदली, नाम बदले, सब कुछ कर 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 देखा पर बात तो नहीं बनी ना। अब तेरे दर पर आके बैठे हैं, अब तेरा होने के लिए आकुल व्याकुल है चित्त वृत्ति। तुम आधार हो, तुम पथ भी हो और तुम मंजिल भी हो, तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो नाथ। रितंभरा में वही बोल रहा है और तुम सब में वही सुन रहा है, उसी का पसारा है, उसी का पसारा।
और चराचर में जो समाया है, रोम रोम में जो विराजा है, चित्तवृत्तियों का जो रस बन गया है, जीवा का रस है? आपकी जीवा जो है इसका एक और नाम है, क्या नाम है? रसना। क्या नाम है? वो रसना नहीं, वो आर्टिफिशियल ड्रिंक की बात नहीं मैं कर रही, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं, ये रसना, जीवा रसना, जिससे रस की निष्पत्ति होती है। भोजन का जब जीवा से संस्पर्श होता है तो स्वाद का रस प्राप्त होता है, लेकिन भोजन वो जो रसोई में बनता है ना, रसोई में क्या बनता है बताइए? भोजन बनता है, भोजन प्रसादी पालो, और एक कुछ लोग कहते खाना खा लो, वो खाना जो है किचन में बनता है, और किचन में किच-किच होती है, लेकिन जब रसोई में भोजन प्रसादी बनती है भगवान का नाम लेके, तो वो भोग लगाकर जब प्राप्त किया जाता है तब चित्त में प्रेम का रस उदय होता है, और फिर वाणी से भी, फिर वाणी से भी जो होगा वो रस से युक्त होगा, फिर वाणी में मिठास होगी, अपनापन होगा, सौहार्द होगा, स्वीकृति होगी, समझदारी होगी, स्वीकार भाव होगा। जब हमारे चित्त में प्रीत का रस आता है तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियां भी स्वीकृत हो जाती हैं, और यहां दुख बुरी परिस्थितियों का नहीं है, उसके विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। अगर विपरीतता को भी स्वीकार कर लिया जाए तो विपरीतता भी विपरीतता नहीं लगती। इसीलिए सुख कहाँ है? स्वीकृति में सुख है, लेकिन स्वीकृति की भावना कब आती है? जब श्री हरि की प्रीत चित्त में होती है तो देखने सुनने व्यवहार का तौर तरीका बदल जाता है। अब चलता नहीं है, अब परिक्रमा हो रही है, अभी स्नान नहीं हो रहा, अब अभिषेक हो रहा है। चलूं फिरूं सोई पैकर्मा, खाऊं पीऊं सो पूजा, सोए जाऊं सो लगी समाधि, भाव मिटाया दूजा। फिर सोना समाधि है, चलना परिक्रमा है, भोजन प्रसाद है, और फिर शिकायत नहीं है, फिर शुक्रिया है, शिकायत नहीं है। इसलिए भक्तों को शिकायत करते नहीं सुनोगे आप, कोई शिकायत नहीं, ना कोई अर्जी ना कोई शिकवा, कर लो करा लो भगवान तुम्हारी जो मर्जी है। तो ये क्या है? जीवन में परिवर्तन लाना है तो पहले आपको प्रभु के प्रेम में पगना होगा, परिवर्तन तब आएगा। प्रभु के प्रीत में जब उतरोगे, नाम के रस में जब उतरोगे, प्रभु के स्मरण में जब उतरोगे, उनकी उपस्थिति को हाजिर नाजिर मानोगे, सांसों को नाम के रंग में रंगोगे, सांसें बिना नाम की, जिस कड़ी में पकौड़े नहीं ना होते, पुराने लोग कहते थे ये क्या विधवा कड़ी बनाई है, शब्द तो अजीब सा है, पर पकौड़ों के साथ होनी चाहिए ना कड़ी, लेकिन ये सांसें ये क्या है? अगर बिना नाम के हैं तो क्या है ये? ये धोंकनी है, वो जो चलती है, धुआं उगलती है, और सांसों के साथ नाम जुड़ा है, सांसों की माला में अगर नाम जुड़ा है, फिर ये सांसें भी धन्य करती हैं, कृतार्थ करती हैं। इसलिए सबसे मुख्य विषय है, जब आप प्रीत में पगोगे, सबसे पहले भाव आएगा मेरी काया शुद्ध होनी चाहिए। तो मेरी काया शुद्ध कैसे होगी? जब मेरा भोजन शुद्ध होगा, जब मेरा विचार शुद्ध होगा, जब मेरी भावनाएं शुद्ध होंगी, परिवर्तन आना शुरू हुआ ना, इसको बोलते रूपांतरण, रूपांतरण। अगर विचारों में सिर्फ वासना है तो विचार उचित नहीं है, विचार उचित नहीं है। मैंने कहा था कि पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर पूरे समय रोकड़ा गिनना ये सही नहीं है। आप कैलकुलेटर थोड़ी हो कि बैठ के गुनते रहोगे।
अगर किसी तरह की कोई चाह पैदा हो गई, थोड़ी देर के लिए उसमें प्रवृत्त हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन वो आपके मन मानस में कब्जा कर ले, ये अच्छा? बोलो ना देवियो। हो नाव तट से बंधी, हो नाव तट से बंधी, लहरों की मनमानी ना हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी ना हो। देख माझी याद रखना, कोई नादानी ना हो, नाव तो पानी में हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना, देख माझी याद रखना, हम संसार में है कोई बात नहीं, ईश्वर ने भेजा है ना हमें, हम अपने प्रियो प्रेमियों के साथ है कोई बात नहीं, उन्होंने ही तो गांठ जोड़ी है ना अपनों के साथ, इतना बड़ा विस्तार। मैं उस दिन बता रही थी ना कि मैं बहुत सारी पुत्रियों की माता हूं, लेकिन फिर भी मैं मुक्त हूं। क्यों मुक्त हूं मैं? क्योंकि मैं जो कर रही हूं या ईश्वर के द्वारा जो करवाया जा रहा है उसके प्रतिकार में, कोई प्रति उत्तर में किसी तरह की चाह नहीं है मुझको। ये भी नहीं सोचती हूँ कि कोई मुझे आके थैंक यू बोलेगा, हाँ इसलिए मुक्त हूँ। लेकिन कर्तव्यों से भाग जाना ये भक्ति नहीं है। भाग के जगन्नाथ पुरी में बैठ गया पांच पुत्रियों का पिता, और पत्नी बर्तन मांझ मांझ के बच्चे पाल रही, ये भक्ति नहीं है, ये पलायन है, ये भगोड़ापन है। और भगवान ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि हालातों से भाग जाओ, अगर सामर्थ्य है तो हालात को बदलो, और अगर हालात बदल नहीं सकते तो उसकी तरह ढल जाओ, तरल रहो ना, पर भागने का अधिकार नहीं है, ना दैन्यता और ना पलायन। और स्मरण रखो, संसार का सब कुछ पालो फिर भी समझो कि ये बाहरी विस्तार है, ये आंतरिक रिक्तता को कभी भी भर नहीं पाएगा। ये जो हम कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे गुरुदेव की सानिध्य में, हम तो बहुत छोटे छोटे थे जब आ गए थे, तो आश्रम की दीवार बन रही थी, हम लोग गारा ढो रहे थे, मिट्टी ला रहे थे, और सड़क से तांगे में बैठ के यात्री निकले, साधुओं को दीवार बनाते देखा तो व्यंग किया कि देखो देखो बाबाओं को ये भी प्रपंच में लगे हैं। हमारे गुरुदेव मुस्कुराए, हम लोग ईंटे ढो ढो के ला रहे थे तो गुरुदेव बोले देखो देखो वो क्या बोल रहे हैं। अब गुरुदेव के सन्निधि में रह रहकर इतना विवेक तो था ही, दीवारें बन रही हैं, कमरे बन रहे हैं, उसमें हमें तो रहना नहीं, सत्संग करने लोग आएंगे, भक्त जनों के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है, हम तो सेवा कर रहे हैं, बंधन नहीं है, अपने लिए नहीं किया जा रहा। दौड़ तो रहा है, भाग तो रहा है, पर किस लिए? तृप्त होने के लिए या दूसरों को तृप्त करने के लिए? इतना ही तो फर्क है। मैं तुमसे सुख चाहूं तो मैं बंधन में हूं, और मैं तुम्हें सुखी करने का प्रयत्न करूं तो कौन सा बंधन है? कोई बंधन नहीं। भिखारी तो वो होता है जो दूसरे से सुख की आकांक्षा करता है, और सुख स्वरूप मैं स्वयं हूं, मुझे किसी के से सुख की आशा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति का सत्य है, किसी और से सुख कभी नहीं मिलता, मिलता है, सूखी हड्डी चबाता है कुत्ता, उसमें उसमें रक्त है, उसमें मांस है, मज्जा कुछ भी तो नहीं है, सूखी हड्डी है, पर वो सूखी हड्डी उसके मुख में जख्म कर देती है, अपने ही मुख के रक्त को पीकर वो सोचता है कि हड्डी में से स्वाद आ रहा है। मूढ़ जन ऐसा ही विचार करते हैं, पर सुविज्ञ जानकार सजग होश में जीने वाले समझते हैं कि सुख बाहर नहीं है, वो तो मेरे मेरे का मेरे, बोलो ना। आप क्या कर रहे हो? पाने के लिए कुछ? बस स्पष्टता अंदर होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी रितंभरा जी के यूट्यूब चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।